धारा 377 ने विचित्र प्रकार के कई प्रावधान, कई विशेषाधिकार दिए, जिसने ना जम्मू कश्मीर का भला होने वाला था, ना देश की एकता और अखंडता का भला होने वाला था, ना घाटी के जनता का भला होने वाला था। मगर एक प्रकार के अपप्रचार के कारण चला। कहीं भी पर भी दुनिया में कोई देश में ऐसा नहीं होगा कि दो झंडे हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा दो संविधान हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री हो। और भारतीय जनसंघ ने उस वक्त इसका विरोध करने की शुरुआत की है। हम तो नई नई पार्टी थे, बने बने थे, हमारी स्वीकृति भी नहीं आई थी, मगर हमने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस स्थिति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ना भारत की जनता ने इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका पूर्ण जोर विरोध करना चाहिए। आज जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारा राजनीतिक स्टैंड है, मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये हमारा स्टैंड तब से है जब से मेरी पार्टी बनी है, ये हमारा राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये हमारी मान्यता है। हम मानते हैं कि धारा 370 जब थी तब देश के लिए, देश की एकता के लिए ठीक नहीं थी, ये हमारी मान्यता है। और सिर्फ हम बोलते नहीं है, इसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, बार बार आंदोलन किए हैं। जब तक धारा 370 हटी, इसके लगी से हटने तक इतने बड़े कालखंड के अंदर 11 अलग अलग आंदोलन हुए, जिसमें मास मोबिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने किया है, जनसंघ ने किया था।